बहुत समय पहले की बात है, सुंदरबन जंगल जो नदी किनारे बसा हुआ था, उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करती थी। उसी जंगल में शिवा नाम का एक तोता रहता था। वह बहुत ही सच्चा और ईमानदार था और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। एक दिन की बात है, शिवा तोता दूसरे जंगल में दाना चुगने गया। दाना चुगते चुगते उसे बहुत देर हो गई। ना तो उसे समय की खबर थी और ना ही किसी बात का डर। जब शाम का वक्त हो गया तो शिवा तोता सोचने लगा, मुझे बहुत देर हो गई है और अब मुझे जल्दी ही अपने घोंसले में वापस जाना होगा, क्योंकि रात के समय जंगल में बहुत खतरनाक जंगली जानवर और बाज घूमते हैं। ऐसा सोच विचार करते हुए शिवा तोते ने दाना चुगा और घर की तरफ चल पड़ा। शिवा तोता अभी कुछ दूर ही चला होगा कि उसे अचानक से किसी औरत की आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। शिवा तोता को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा और वह आगे की ओर बढ़ा, पर कुछ कदम और चलते ही उसे वही आवाज फिर से सुनाई दी। शिवा तोता को लगा कि शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत है और वह बिना कुछ सोचे समझे उस दिशा की ओर उड़ पड़ा जिस दिशा से आवाज आ रही थी। जब शिवा तोता उस दिशा की ओर गया तो थोड़ी दूर जाकर वह रुक गया। उसे लगा कि वह आवाज उसके आसपास से ही आ रही है, तो वह अपने चारों ओर देखने लगा, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह परेशान सा होकर इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसकी नजर एक नागिन पर पड़ी जो खून से सनी हुई थी और उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म दिख रहे थे। शिवा तोता एकदम से हैरान रह गया क्योंकि वह आवाज उसी नागिन की थी। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि कोई नागिन मदद के लिए कैसे आवाज निकाल सकती है, वो भी बिल्कुल किसी इंसान की तरह। धीरे धीरे डरता हुआ शिवा तोता उस नागिन के पास जाता है और थोड़ी दूर बैठ जाता है। फिर वह डरता हुआ सा उस नागिन से कहता है, क्या तुम मेरी बातों को समझ सकती हो? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, मैं तुम्हारी ही तरह बात कर सकती हूँ। मैंने कहानियों में सुना था कि इच्छाधारी नागिन होती है, पर आज मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। आखिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैं अपने प्रेमी इच्छाधारी नाग के साथ पूनम की रात को जंगल में घूम रही थी कि हमें ये भी पता नहीं चला कि कब एक भयानक तांत्रिक बाज की नज़र हम पर पड़ी और उस तांत्रिक बाज के शैतानी दिमाग में लालच भर गया। उसने अपनी शक्तियों से नाग को अपने वश में करके एक पिटारी में बंद कर दिया और मणि हासिल करने के इरादे से उसे लेकर अपने मठ की तरफ चल पड़ा। जब मैंने देखा कि मेरी प्रेमी की जान खतरे में है तो मैं नाग को बचाने के लिए तांत्रिक बाज से लड़ने लगी, परंतु तांत्रिक बाज की शक्तियाँ बहुत ज्यादा ताकतवर थी और मैं उससे जीत न सकी। तांत्रिक बाज ने मुझे घायल कर दिया और नाग को लेकर अपने मठ की तरफ चला गया ताकि वह मणि हासिल कर सके। अगर तांत्रिक बाज ने नाग से मणि ले ली तो नाग की जान चली जाएगी और अगर नाग मर गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम एक ईमानदारी और भरोसे के काबिल हो, तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। चाहे तुम मेरी मदद करना या मत करना, अगर नाग को बचाने में मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा कहकर वे दोनों तांत्रिक बाज के मठ की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद शिवा तोता को एहसास हुआ कि अब नागिन और आगे नहीं जा सकती, तो उसने नागिन से कहा कि तुम यहीं आराम करो, मैं जाता हूँ और नाग को बचाने का प्रयास करता हूँ। तांत्रिक बाज बहुत शक्तिशाली है, तुम उससे अकेली नहीं लड़ पाओगी। परंतु शिवा तोते ने नागिन की बात नहीं सुनी और अकेले ही तांत्रिक बाज के मठ की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर शिवा तोता को एक खंडर दिखाई पड़ा और वहाँ पर उसे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। शिवा तोता खंडर के अंदर गया तो उसने देखा कि एक बहुत ही भयानक तांत्रिक बाज बैठा हुआ कुछ मंत्र पढ़ रहा है। उस तांत्रिक बाज के सामने एक सफेद गोला सा बना हुआ है और उस गोले के अंदर नाग बेहोश हुआ पड़ा था। तांत्रिक बाज हवन प्रज्वलित कर रहा था और जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। शिवा तोता ने देखा कि उस तांत्रिक बाज के पास एक त्रिशूल भी पड़ा हुआ है। शिवा तोते ने चुटके से वह त्रिशूल उठाया और उस तांत्रिक बाज की पीठ पर वार किया, परंतु उस वार से तांत्रिक बाज को कोई भी असर नहीं हुआ। तांत्रिक बाज ने क्रोध में शिवा तोते की ओर देखा और उस पर मंत्र का प्रयोग किया जिससे शिवा तोता दूर जाकर गिर पड़ा। शिवा तोते को काफी चोट लग गई थी। शिवा तोते को नागिन की बात याद आई कि सच में तांत्रिक बाज बहुत शक्तिशाली है। उसके बाद शिवा तोता तुरंत नागिन के पास आया और उसे सारी बात बताई और बोला,
वो तांत्रिक वास्तु बहुत ही खतरनाक है और शक्तिशाली भी है। उसे मारने का कोई उपाय है तो बताओ। देखो, मुझे उपाय तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी मुझ नाग को हर हालत में बचाना ही है। मुझे भगवान शंकर पर पूरा भरोसा है, जो जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ इस खंडर में चलती हूँ। अकेले घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि संघर्ष करके मरो। अब शिवा तोता और नागिन के पास कोई रास्ता नहीं था। या तो वे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते, या फिर तांत्रिक बाज के हाथों से मर जाते। उन्होंने तांत्रिक बाज से लड़ने का फैसला किया और उसी गुफा में गए जहाँ पर तांत्रिक बाज बैठा हुआ मंत्र पढ़ रहा था। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शिवा तोता अचानक से भागकर गुफा के बाहर गया और एक मिट्टी के बर्तन में जल भरकर लाया। उसने वह जल तांत्रिक बाज के हवन में डाल दिया, जिससे तांत्रिक बाज का हवन भंग हो गया। अब तांत्रिक बाज ने बहुत क्रोध में लाल लाल आंखों से शिवा तोते को देखा और उस पर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, जिससे शिवा तोता दूर उछल कर जा गिरा। शिवा तोता बहुत जख्मी हो गया। शिवा तोते की हिम्मत टूट रही थी, पर उसने हार नहीं मानी और तांत्रिक बाज को परेशान करते रहा। इधर तांत्रिक बाज शिवा तोते के साथ लड़ने में व्यस्त था और उधर नागिन ने अपनी शक्तियों से नाग को होश में ला दिया। अब नाग, नागिन और शिवा तोता तीनों ने मिलकर तांत्रिक बाज का सामना किया। नाग ने शिवा तोते से कहा, जिस तरह बुराई को अच्छाई मार सकती है, उसी तरह शैतानी शक्तियों को सिर्फ देव शक्तियाँ ही नष्ट कर सकती है। इस गुफा के बगल में एक मंदिर है जिसमें भगवान शिव की बहुत प्राचीन मूर्ति है, जिसमें भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है। उस त्रिशूल में शैतानी शक्तियों की मारने की क्षमता है। इतना सुनते ही अब शिवा तोता उड़ता हुआ शिव भगवान की मूर्ति को ढूंढने गया। कुछ देर बाद उसे भगवान शिव की वही प्राचीन मूर्ति दिखाई दी, जिसमें भगवान शिव के हाथ में एक त्रिशूल भी था। शिवा तोते ने भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वह त्रिशूल लेकर तांत्रिक बाज के पास आया। शिवा तोते ने देखा कि तांत्रिक बाज ने नाग नागिन को पकड़ रखा है और उन्हें मारने ही वाला था कि शिवा तोते ने बहुत जोर से तांत्रिक बाज के सीने पर त्रिशूल से वार किया। तांत्रिक बाज नीचे गिर पड़ा और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गयी। हम तुम्हें बहुत बड़ा और कीमती खजाना देंगे, तुम हमारे साथ चलो। मैंने किसी लालच के कारण तुम्हारी मदद नहीं की, बल्कि अच्छे चिड़िया होने के नाते की है। इतना सुनते ही नाग नागिन की आंखों में आंसू आ गए। सच में तुम हमारे लिए भगवान के समान हो। हम अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा एहसान मानेंगे। अगर कभी तुम्हें हमारी जरूरत हो तो तुम हमें याद करना, हम जरूर आएंगे। शिवा तोते से विदा लेकर नाग और नागिन अपने लोक को चले गए और शिवा तोता भी अपने घर वापस आ गया। रोज रात को शिवा तोता तारे गिनता हुआ नाग और नागिन के बारे में सोचता रहता है और उस घटना को याद करके मुस्कुराता रहता है। ना तो कभी शिवा तोते ने नाग को बुलाया और ना ही कभी तीनों मिल पाए।